नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय पर जीत पर। तो जैसा कि हम बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं साथ साथ इतिहास सीरीज के अंदर, मैं आपके लिए साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, ताकि आप ये अगर जो जेई मेंस आ रहा है हमारा जनवरी के अंदर, इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक नहीं तैयारी करी है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताए थे एक शॉर्ट वीडियो में, तो अगर आप वही चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो आप एक मैथ्स के सेफ साइड पर हो जाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं मैथ्स पिछले काफी सालों से डिफिकल्ट भी आ रहा है, लेंथी भी आ रहा है। तो अगर इस कम समय में बोर्ड के होते हुए कुछ बच्चे जो ट्वेल्थ में है उस सब में करते हुए, अगर आप इन गिने चुने 7-8 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं उसके अगर आप कहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, बड़ी वीडियोस भी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको उसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। तो वही वाले चैप्टर्स के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाते हैं पिछले 2-4 साल के भी, तब भी आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे और उसी को आप अप्लाई करके देखिएगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। क्योंकि यहां पर मैं कुछ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा पाऊंगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, जिसके अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के और जितनी ट्रिक्स हो सकती है, जितना कम से कम समय में हम बेटा उस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो सब मैं आपको समझा दूंगा। बाकी क्वेश्चंस का काम है आपके करने का, ठीक है? समझ आ जाए तो बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, और कुछ अगर डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो जल्दी से बेटा शुरुआत करते हैं, आज हम करेंगे बायनोमियल के क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख गया है आज हम करेंगे बायनोमियल क्वेश्चन। बायनोमियल का चैप्टर बेटा आसान है, क्वेश्चन आता ही आता है, काफी सारे क्वेश्चन ट्रिक्स से हो जाते हैं। क्या क्या ट्रिक्स लगते हैं एक बार ध्यान से देखते हैं फटाफट से। तो बेटा फटाफट से हमारे पास मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे हमने बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट देखी, फिर से मैं बोलूंगा आपको, जैसा आपने लास्ट वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज्यादा थैंक्स फॉर दैट। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप भी कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ लीजिए, उससे आपके क्वेश्चन जल्दी होने लगेंगे, ठीक है? जल्दी सर आते हैं जी, इसको क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन पर, चलिए जी इस पर समझते हैं। इसमें क्या कह रहे थे, एनएस टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स टू बी द ग्रेटेस्ट। देखिए तो बेटा ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का ना एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ट्रिक बोले तो एमएसटी बेटा कैसे रखती है ग्रेटेस्ट टर्म निकालने की। एमएसटी क्या रहती है आपको बेटा सीधा याद रखना है, अगर आपको ये एक्सपेंशन दे रखा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको ये दे रखा है एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई की पावर एन दे रखा है, तो आपका क्या रहता है आर इज इक्वल टू एन प्लस वन प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म। यानी कि ये बेटा फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, यहां वाला फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज एक्स बाय वाई। ये याद रखना है बच्चे, क्या ऊपर आपका क्या रहना चाहिए, ये बेटा आपकी क्या रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए आपकी फर्स्ट टर्म, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड, ये आपकी बेटे सेकंड रहनी चाहिए, ठीक है? गुड। अब इसके बाद जो भी अगर वैल्यू निकल कर आती है, अगर हमारा बेटा लेट आर हमारा निकल कर आता है, दो केसेस ले लेते हैं हम इसी के अंदर, अगर बच्चे मेरा निकल कर आता है आर इंटीजर, अगर मेरा आर इंटीजर निकल कर आता है तो मेरी टी आर एथ एंड टी आर एथ, ठीक है? तो हमारी यहां पर बेटा टी, तो हमारी टी आर एंड टी आर प्लस वन, टी आर एंड टी आर प्लस वन विल बी ग्रेटेस्ट टर्म, विल बी ग्रेटेस्ट टर्म। अगर नहीं निकल कर आता, अगर बेटा आर हमारा नहीं निकल कर आता इंटीजर के बराबर, तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना बेटा। जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के बाद ये मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन लगा रहा हूं, दिस इज जी आई एफ, दिस इज बेटा जी आई एफ, ठीक है? चल नहीं रहा है, एक सेकेंड चलेगा तो ऐसे नहीं, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा जी आई एफ और प्लस वन, ये हमारी क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। दिस इज द शॉर्टकट इसको निकालने का, ठीक है? ये आपको अगर नहीं पता था तो बेटा ये कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सब कॉन्सेप्ट ही आपने बेटा यहां पर सीखने हैं, जो कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको जल्दी जल्दी बता पाऊंगा इन कॉन्सेप्ट, ताकि आपको कम से कम समय लगे और क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी हो सके, ठीक है? अगर आपको ये समझ आ गया तो एक बार क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं जी, एनएस टर्म इन द बायनोमियल इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ 6x, ठीक है? तो आपको देखिए क्या एक्सपेंशन दे रखा है, 3 और 6 की पावर एन दे रखा है, ठीक है? तो वो नाइन्थ टर्म बेटा ग्रेटेस्ट है, तो नाइन्थ टर्म अगर ग्रेटेस्ट है तो यानी कि आर की वैल्यू 8 आ रही होगी, नाइन्थ टर्म बोल रहा है, टी नाइन बोल रहा है बेटा, आपको बोल रहा है टी नाइन्थ, तो आर की वैल्यू उससे कम होती है, तो आर की वैल्यू 8 ले ली। तो अगर मैं इधर फॉर्मूला लगाता हूं, आर इज इक्वल टू, लगा दीजिए बेटा फटाफट से, आर इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन में फर्स्ट ये रही 1 प्लस 3 अपॉन 6x, ये मैंने यहां पे लगा दिया। एन हमें आर हो गया हमारे पास 8, एन प्लस वन अपॉन 1 प्लस 3 एक्स। हाँ, जब भी ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या टर्म निकालने को बोला जाता है तब आपको हमेशा एक्स की वैल्यू बेटा जरूर दी जाती है, तो याद रखिएगा एक्स की वैल्यू जरूर दे रखी होगी। तो मैं यहां पर एक्स की वैल्यू भी रख देता हूं साथ साथ, कितना हो जाएगा 2 से जाएगा 3 पे, और बच्चे मेरा कितना आ गया, दिस इज 8 इज इक्वल टू एन प्लस 1, 8 इज इक्वल टू एन प्लस 1 एंड 3 और 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/3 आ गया, 1/3 को करूंगा तो 4/3 उधर भेज देते हैं, 8 × 4/3 एन प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 और कितना हो जाएगा ये 8 × 4 = 32, 32/3 माइनस 1, तो जैसे आप इसको बेटा इससे काटेंगे तो ये हमारा आएगा 29 बाय
3-1, और एन आ जाएगा हमारे पास करीब करीब 9 पॉइंट से बड़ा बड़ा आएगा, 9 से बेटा बड़ा बड़ा आएगा। तो एन की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, लीस्ट ले लेता हूँ बेटा 10। एन आ गया 10, तो आपको क्या करना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज एन नोड, तो एन नोड की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, अभी तक आपकी एन नोड की वैल्यू निकल चुकी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, उसी के बाद रेशियो ऑफ कोफिशियंट ऑफ x6 टू दी x की पावर 3। अब पहले आपको बेटा इसका एक्सपेंशन आना चाहिए। देखिए एक्सपेंशन के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा मैं इसको ये लिख सकता हूँ एनसीआर सी की पावर एन माइनस आर एन सिक्स एक्स की पावर आर, जिसको मैं अगली लाइन में एनसीआर सी की पावर एन माइनस आर सिक्स की पावर आर और एक्स की पावर आर लिख सकते हैं, राइट। तो मेरे को पहले किसका कोफिशियंट चाहिए, एक्स की पावर सिक्स का, तो 4x की पावर 6 मैं क्या ले लेता हूँ, आर को बेटा 6 पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो एक कोफिशियंट क्या हो जाएगा एन सी सिक्स और ये हो जाएगा 3, एन हो गया हमारे पास कितना, ये था हमारे पास एन माइनस सिक्स और ये 6 की पावर 6 हो गया। अब सिमिलरली बेटा एक्स की पावर 3 के लिए जब मैं जाऊँगा, और एक्स की पावर 3 के लिए आर की वैल्यू क्या ले लोगे, 3 ले लोगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 रखना है, तो ये कोफिशियंट क्या बन जाएगा एन सी थ्री एन सी थ्री एन माइनस थ्री और 6 की पावर 3, ठीक है। यहाँ तक हमारा इसका कोफिशियंट रेडी हो चुका है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, वो आपको क्या दे रखा है, के के बराबर, के इज द रेशियो ऑफ, अब ये मत समझना कि ये कैलकुलेटिव है, अभी आगे ट्रिक बता रहा हूँ इसको सोल्व करने की, लग रहा होगा कि बड़ा हो गया सर, अभी देखते जाना इसको, के क्या है, रेशियो ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स सिक्स टू दिस, के इन दोनों का रेशियो है बेटा, तो के मेरा क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एन सी सिक्स थ्री की पावर एन माइनस सिक्स 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 थ्री की पावर एन माइनस सिक्स एंड सिक्स सिक्स एंड दिस इज एन सी थ्री दिस इज 3 की पावर n-3 और 6 की पावर 3 हो गया, ठीक है। यही था हमारे पास, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो n-3 और 6 की पावर 3 हो गया। अब मैं इसमें रख देता हूं बेटा, लेट n इज इक्वल टू 10 रख दिया, जब जैसे मैंने n इज इक्वल टू 10 रखा तो बेटा ये मेरा कितना हो जाएगा 10c6 और ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएंगे 4 दिस इज 6 और ये हो जाएगा जी 10c3, ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएंगे 7 और ये 6 की पावर 3, और इसको पूरा का पूरा बेटा अगर हम देखें सोल्व करके तो हमारे पास आती है के की वैल्यू करीब 24, के की वैल्यू आती है बेटा 14, ठीक है, के की वैल्यू आ गई 14। तो बेटा के निकल कर आ गया, तो आंसर क्या है आपका, देखिए क्या बोल रहा है के प्लस एन नोड, तो बेटा के प्लस एन नोड कितना हो जाएगा 14 + 10 यानी के 24 इज योर राइट आंसर, 24 इज योर राइट आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आए तो बेटा नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर समझ आए तो, क्योंकि इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की आपसे आपका कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं। मेन इसके अंदर कैलकुलेटिव वाला पार्ट आप भी कर लेते थे, सीखने वाला पार्ट इसके अंदर ये था, और दूसरी बात बेटा जो सीखने वाला पार्ट था वो ये था, ये तो आई थिंक बच्चों को 10th उसी में ही स्कूल में ही आता होता है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अगला ये देखिए बेटा सीधी एमएसटी लगनी है, सीधी ध्यान से सुनिएगा इसके एमएसटी के बारे में, ठीक है। अब आपको देखिए यहां पर डिवाइड करना है किसको, 5 से, तो इसमें एक बार और एमएसटी देख लीजिए, एमएसटी बोले तो मॉइस्चर ट्रिक, ठीक है जी, ठीक है ओके मामला। चलो एमएसटी पर आ जाइए, सर 7 से हमने इसको करना है डिवाइड, अरे चल जा, हाँ देखो जब भी आपको बेटा इसको डिवाइड करने को आए, पूरे नंबर को आपको कह रहे हैं डिवाइड करने को, 7022 और 3202 को डिवाइड बाय 5, तो हम इसको बेटा इस तरीके से ला सकते हैं अपॉन 5, और ये 3 को ला सकता हूं अपॉन 5, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको किसी से डिवाइड करना हो, नंबर को डिवाइड करो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि या तो रिमाइंडर 1 बचे या फिर रिमाइंडर -1 बचे। -1 क्या होता है सर, -1 बेटा यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि अब हम जानते हैं 14 को अगर मैं 5 से करूंगा, या तो मैं रिमाइंडर 4 लिख सकता हूँ पॉजिटिव में, या मैं नेगेटिव के अंदर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 से कितना पीछे है, -1 पीछे है, दोनों पॉसिबिलिटी है, राइट। तो आपको बस ये कोशिश करनी है कि चाहे -1 आ जाए या फिर +1 आ जाए, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे सीधे कि सर ऐसे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि 7 का अगर मैं कर दूं 49 और 1 क्या गया 1011 अपॉन 5। सिमिलरली अगर हम सर इधर लेके जाए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 ना, तो 9 1011 अपॉन 5 हो गया, राइट। अगर मैं इसका बेटा मैं करता हूं, ये हो गया ना हमारे पास, हाँ इसको अगर मैं करता हूं तो जानते हैं 50 से कितना कम है, कितना कम है, -1 कम है, बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया, तो -1 कम है तो बेटा ऊपर लिखा दीजिए -1 की पावर 101 और बाय 5, ये सीधा ट्रिक है बेटा इसकी, और इधर से -1 से लेके 101 बाय 5 ये कितना होता है -1/5, ये कितना होता है -1/5, पूरा कितना हो गया -2/5। अब -2/5 का मतलब ऊपर क्या होगा, कैसे निकालेंगे रिमाइंडर जब नेगेटिव आ जाए,
क्योंकि नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर बेटा नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 2 ऊपर वाले को ऐड कर दो इसके अंदर, तो 5 माइनस 2 कर दूंगा तो 3, 3 इज योर राइट आंसर, खत्म। बताओ, इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ चैप्टर बेटा अगर कर जाएगा तो आसानी से बेटा पेपर निकल जाएगा, इतनी परसेंटेज आ जाएगी कि आराम से बेटा आप सेफ साइड पर हो, क्योंकि मैथ्स को मुश्किल माना जाता है ऐसा सोच है, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको शायद ही बेटा कभी मैथ लगेगा मुश्किल, क्योंकि कुछ मेहनत तो देखो लगती है, नो डाउट मेहनत लगेगी, बट आपको कुछ ट्रिक्स भी आने चाहिए, शॉर्टकट्स भी आने चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ये पता होता, मैं आपको अगर नहीं समझाता तो ये सब आप, मुझे नहीं लगता 1, 2, 3 लाइन का क्वेश्चन है, 4 नंबर देके जा रहा है 2022 का जेई का क्वेश्चन, राइट। इसी तरीके से आपने इसको प्रोसीड करना होता है, वेरी गुड। दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे, थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हुए, अरे फिर से यही आ गया, देखिए बेटा एक बारी फिर से देख लेते हैं इसको, सर एक बारी फिर से करा दूं, इज डिवाइडेड बाय, फिर से बेटा इसको एमएसटी से लीजिए, क्या 7 से पहले इसको भी कर देता हूं, तो 2021 को बेटा जब मैं 7 से कर रहा हूं, है ना, जब मैं इसको 7 से कर रहा हूं और फिर इसको भी 7 से करना पड़ेगा, तो मैं देखूं एक बारी कितना पीछे है, 2023 21 को अगर मैं करता हूं, है ना, अगर हम लेके चले इसको, हाँ चलो इसको 7 से डिवाइड करते देखते हैं कितना रिमाइंडर बचता है। तो मैंने यहां पर देखा 7 3 21, 7 2 हो जाएगा 14 और 6 7 7 8, है ना, ये हो जाएगा जी 56 और 4 5 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 56, तो मतलब 5 बच गया आपका रिमाइंडर बेटा। 5 कब आ सकता है रिमाइंडर, 5 कब आ सकता है कि भाई या तो 5 लिख लो या फिर -2 लिख लो, मतलब ये रिमाइंडर 5 कब आएगा बेटा, ऐसे ही तो आएगा, घबराने की क्या जरूरत है, या तो 12/7 का रिमाइंडर या तो 5 आएगा या फिर -2 आएगा, तो मैं इसको माइनस में ले लेता हूं क्योंकि वो मेरे को आसान पड़ रहा है। सेम बेटा इसके लिए देखूंगा, तो क्योंकि दो और आगे मैं इसको मान लूं अगर, तो ये कितना हो जाएगा 2023 होगा, 2023 से कितना कम है, रिमाइंडर देखो ना 5 है तो 2023 से कितना कम है, 2 कम है, राइट। तो ऐसे ही बेटा सिमिलरली अगले वाले पे कितना कम होगा, माइनस कम होगा, तो क्वेश्चन सोल्व कर ले बेटा, क्वेश्चन सोल्व कर ले। इसको अगर मैं करता हूं 2022 से और ये हो गया बेटा 2022 को मैंने करा 2021 से, अपॉन 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 सर 7 था यहाँ पे, सर 7 था, तो इसको अगर मैं करता हूं तो बेटा कितना बचेगा, -2 2022/7 प्लस -1 की पावर 2021/7, डन। इसको करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा ये 8 की पावर करीब हम लेके जाए, तो 3 से हो रहा है ना पूरा पूरा, 2022 को करेंगे एक बार 3 से जा रहा है, 3 6 18 और बच्चे कितना हो गया 2 3 7 21 3 4 12 पूरा पूरा जा रहा है भाई, 3 4 21 हो गया ना ये 12, सॉरी 12 से 12 पूरा जा रहा है, तो मैं इसको बेटा 8 × 674 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 और 674 अपॉन 7 प्लस ये कितना हो गया -1 है, तो ये -1/7। अब 8/674 में, 8/674 में रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 1/674/7 और ये बेटा -1/674, तो 1 की पावर 1 और इधर से आएगी -1, आंसर कितना आ गया 0/7 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 है क्या ऑप्शन में, 0 0 इज द राइट आंसर। ऐसे बेटा आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ये सब ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बेटा ये सब ट्रिक्स, अगर सारी फॉर्मुलेज अगर सारा कुछ रिमाइंड करके जाते हैं और साथ साथ सारी एमएसटी करके जाते हैं इस चैप्टर की, तो ये गारंटी है कि जब के जो 2 क्वेश्चन आ जाएं, चाहे 3 या फिर 1 2 तो है ही है, 1 2 तो बेटा पक्का ही पक्का है। मैं तो टारगेट लेके चल रहा हूं, अगर आपने 40 दिन का टारगेट लेके चले तो मैं तो बस यही मान के चल रहा हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा सिर्फ इतिहास सीरीज के रेगुलरली जो मैं वीडियो डाल रहा हूं आपको पीवीएसईआर क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, वही पीवीएसईआर क्वेश्चन करा रहा हूं जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, सारे नहीं करा पाऊंगा जो जो छिपा हुआ, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, मैं 4 4 घंटे 6 6 घंटे आपका टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम समय लूंगा और उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं रिवाइज करा दूंगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर होते हैं और कौन कौन सी एमएससी लग के चुटके में आंसर आ सकता है। अगर आप ये चैप्टर भी कर लेते हैं तो आसानी से बेटा मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन का, ठीक है आपके लिए, कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं यार, मैथ में बहुत सेफ साइड है, बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ और हमारे पास एमएससी फंस जाए तो। ये देखिए जी क्या कह रहे हैं इसके अंदर, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे भी देख ले बेटा एक और एमएसटी देख लीजिए, यहाँ पे बेटा एमएसटी लिख लीजिए, देखिए क्या होता है ये बेटा, क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम इन द एक्सपेंशन, कौन से वाला एक्सपेंशन, कौन सा बेटा, अगर हम लेके चलते हैं ए इंटू एक्स की पावर 1/p और बी अपॉन एक्स की पावर 1/q की पावर एन, देन आर इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू क्या होता है एनपी माइनस, एनपी माइनस ये हो गया हमारे पास एनपी माइनस, ठीक है वन सेकेंड, हाँ एनपी माइनस एम अपोन में पी प्लस क्यू, एनपी माइनस वन प्लस पी प्लस क्यू। एक चीज ध्यान रखेंगे, अच्छा यहाँ पे वन पी नहीं होता, ये इधर पी होता है और बेटा यहाँ पे क्यू होता है, ठीक है यहाँ पे पी होता है, वो दूसरे वाला है। अभी अगला वाला कराऊंगा इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालते हैं चुटकियों के अंदर, उसके अंदर 1 बाय पी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इन बातों का, पी और यहाँ पर क्यू, सीधा बेटा फॉर्मूले से आप रख सकते हैं एम कहाँ से आएगा, एम बेटा यहाँ से आएगा, ठीक है। और अगर कह देता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो, यानी कि इफ तो देयर फॉर, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ देयर फॉर टी आर प्लस वन है विल कंटेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन, ठीक है इसके अंदर क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन होगा। एंड फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म पुट एक्स इज पुट एम इज इक्वल टू जीरो, पुट एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए जी आ जाओ बेटा क्वेश्चन पर आ जाओ, किस किस का कोफिशियंट निकालना है, पहले इसका और फिर इसका, ये है m है और ये n है, इसका बेटा m है और इसका ये वाला n है, ठीक है क्लियर है यहां तक। चलो जी सर एक बार इसको ध्यान से समझा दो, ठीक है। अब वो पहले का निकालता हूं बेटा केस वन में, तो मेरे को किसका निकालना है x की पावर माइनस वन का, तो जब मैं x की पावर माइनस वन का निकालूंगा तो r इज इक्वल टू n, ये बेटा n हो गया, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, कंपेयर कर दो बेटा कितना हो जाएगा 15 इंटू 1 बाय पी माइनस कोफिशियंट ऑफ किसका निकाल रहे हो माइनस वन का, तो x की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन नीचे 1/5 प्लस 1/5 पांच तीन, तीन और एक चार, चार और एक 2/5, दो से दो पांच और दो दस, आर की वैल्यू कितनी 10 आ गई, आर की वैल्यू कितनी 10 आ गई। तो अब अगर आपको जब टर्म निकालनी हो ना, जब कोफिशियंट निकालना हो, अब कोफिशियंट लिखते टाइम एक्स वगैरह पे ध्यान मत दिया करो, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स पे ध्यान दिया करो। तो कॉन्स्टेंट्स का टर्म क्या हो जाएगा 15, ये हो गया बेटा 10, आगे वाला कितना हो गया 2, तो 15 में से 10 जाता है पहले वाला, तो 15 में से 10 जाएगा जी 5 बचेगा और पीछे बच गया माइनस वन, माइनस वन की पावर 10। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये जो लिखे हुए ना, फिर ये सब मत लिखा करो, क्योंकि ये सब सिंप्लीफाई होके आएंगे क्या, एक्स की पावर माइनस वन आएगा क्योंकि वो हमने निकाला है ना, तो सीधा ये लिख लीजिए, ये आपका क्या दे रखा है एम दे रखा है, डन। अगला पढ़ते हैं सर, अगला बढ़िया जल्दी से, सर समय नहीं है हमारे पास, कम समय बचा हुआ है, पेपर पास है, सारी ट्रिक्स बता दो सारी की सारी। x की पावर माइनस थ्री में r इज इक्वल टू 15 इंटू 1/5 माइनस थ्री अपॉन 1/5 प्लस 1/5, बच्चे कितना हो जाएगा 5 से 3, 3 और 3 6 हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा, 2 से जाएगा 3 पे 5 और 3 15, r की वैल्यू बेटा कितनी 15, r 15 हो गया तो निकाल दो n की वैल्यू, तो देयरफॉर n आ जाएगा 15, दिस इज 15 और ये हो गया जी 2 की पावर 15 माइनस 15 जीरो और माइनस 1 की पावर 15, ठीक है ये भी हो गया, m आ गया n आ गया, सिंपलीफाई कर लूं एक बारी, m आपको आ गया है, m है बेटा 15 c 10 2 की पावर 5, तो ये बचा है सिर्फ 2 की पावर 5 और ये हो गया n, n को सिंपलीफाई करता हूं जब, तो ये तो 1 होता है बेटा, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये भी 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये n आ गया, ये n आ गया, इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं, इसको वैसे जरूरत नहीं है, सब कुछ आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम एन का स्क्वायर 15 सी आर 2 की पावर आर, एम एन का स्क्वायर 15 सी आर 2 की पावर आर, और आर आपको बताना है, अरे यार तो हो गया कि सर एन की वैल्यू आपने माइनस वन रखवाई है, तो माइनस वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एम ये रहा आपके पास 15 सी 10 2 की पावर 5 और ये 15 सी आर 2 की पावर आर, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों बेटा सेम होने चाहिए, कब होएंगे सर, इधर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, पढ़ाई अभी नहीं है सर आपने, बस एक प्रॉपर्टी होती है एनसीआर एन माइनस आर, यहाँ सारी ट्रिक्स मैं आपको कवर करा दूंगा, तो आपने जैसे इसके अंदर रखा 15 में से 15 टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 सी 5 और ये 2 की पावर 5, तो बेटा ये भी क्या आ गया 2 की पावर 5 और ये बच गया 15 सी आर 2 की पावर, कंपेयर कर दे बेटा कंपेयर कर दे, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, सर आर की वैल्यू आ गई 5, 5 इज माई राइट आंसर, लगा दे बेटा 5 के आंसर हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर, 4 हो गई है, 4 ट्रिक्स आपको मैंने अभी कवर करा दिए, यही सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, बाकी के करके देखना सारे क्वेश्चन उड़ेंगे, अगर कोई डाउट हो कुछ भी हो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहता है,
वो लिखिएगा जरूर क्या डाउट है क्या भी है, या अगर सब कुछ समझ आ जाए पसंद आ जाए MSR लिख देना, समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चों को मेरे समझ आ गए। ठीक है, MSR क्या होता है आपको जल्दी पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं जी, अब आ जाते हैं बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर, अब आ जाते हैं बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर, देखिए कैसे। यहाँ पर भी एक MSC बताता हूँ आपको, सीधे सीधे बेटा MSC याद रखेंगे, चौथी पांचवी ट्रिक बता रहा हूँ। इज एनी द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, तो मैं आपको बेटा बता रहा हूँ नंबर ऑफ रैशनल एंड इंटीग्रल टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर ऑफ रैशनल एंड इंटीग्रल टर्म्स, या फिर इंटीग्रल, सॉरी दोनों को और एक ही बात है सर, क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म किसी भी एक्सपेंशन में, अगर इंटीग्रल टर्म्स इन एक्स की पावर 1/p और वाई की पावर 1/q, एक्स की पावर 1/p वाई की पावर 1/q इज इक्वल टू एन, इज कितनी हो जाएंगी जी, आर इज इक्वल टू एन प्लस वन, आर सॉरी आर इज इक्वल टू एन अपॉन में एलसीएम ऑफ पी कोमा क्यू, और इनका बेटा क्या लेगा तू, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा इन GIF, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसी के अंदर बेटा MSP में आपको क्या याद रखना है, इफ इफ एन इज डिविजिबल, इफ एन इज डिविजिबल बाय पी, पी क्या है सर, पी ये रहा बेटा इधर वाला, वन बाय में होगा, वन बाय में कंपेयर करूं तो पी मेरा यहां पे क्या हो जाएगा चार, यहां पे पी क्या हो जाएगा चार, तो वन बाय वाला अगर उसे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए ना बच्चे, तो देन एड प्लस वन, देन एड प्लस वन टू दी एन, टू दी एन। ठीक है, दो बार दी हो गया, मतलब यहां से जो आंसर निकल कर आएगा ना, यहां पर आपने ये ऐड कर देना, वन ऐड कर देना। ठीक है, एड टू दी आर लिख लो इधर, अगर नहीं होता तो इफ नॉट, इफ नॉट डिविजिबल, इफ नॉट डिविजिबल देन डोंट एड, देन डोंट एड वन, फिर ऐड बेटा वन मत करना। ठीक है, अब देयर फॉर ये तो बेटा सर आपने, ये तो आपने बता दी मेरे को क्या, इरेशनल टर्म्स के बारे में बता दिया आपने सर मेरे को, इंटीग्रल टर्म्स का शॉर्टकट बता दिया, लेकिन मेरे से सर वो इरेशनल पूछ रहा है, तो बेटा ये भी देख लेते हैं एक बार ही, क्या हमें पता है बेटा टोटल टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर, वी नो टोटल टर्म्स इन एक्सपेंशन, टोटल टर्म्स इन एक्सपेंशन, टोटल टर्म्स इन एक्सपेंशन बेटा कितनी है, एन है, और नंबर ऑफ रैशनल आपने निकाल ली, तो देयर फॉर नंबर ऑफ इरेशनल, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बेटा कितनी बचेंगी सर, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बचेंगी टोटल टर्म्स, एन प्लस वन होती है, एन प्लस वन होती है, ठीक है, टोटल टर्म्स माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स होती है, टोटल टर्म माइनस नंबर ऑफ रैशनल टर्म, यहां से पहले रैशनल निकाल लूंगा, टोटल टर्म्स जितनी पावर होती है उससे बेटा एक ज्यादा होती है, उसमें से मैं रैशनल वाली माइनस कर दूंगा तो मेरी इरेशनल आ जाएगी। अब अगर समझ आ गई है, MSC लिख लिया, नोट बना लिया ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, अब मैं आता हूं इसके क्वेश्चन पर, देखिए कितना आसान सरल आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एन इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन 3 की पावर 1/4, तो बेटा दे रखा है 3 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/8, 5 की पावर 1/8 और पूरे की पावर है 60, तो बेटा पहले रैशनल टर्म्स निकाल रहा हूं, तो पहले मैं निकाल रहा हूं बच्चे रैशनल टर्म्स, लगा दे बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, आर इज इक्वल टू ग्रेशनल इंटीजर बेटा कितना हो जाएगा 60 अपॉन इनका एलसीएम, इन दोनों का बेटा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 और 8, हम जानते हैं एलसीएम बेटा क्या रहेगा 8 रहेगा, तो 8 रहेगा तो 8 7 56 समथिंग कुछ आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा 7, तो 8 आ गया 7। इसके बाद क्या चेक करना है, क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या, एक बार चुपके से जाके कोने में देख लेना कि भाई 60 को 4 से करने पर पूरा पूरा आ रहा है, हाँ जी सर डिवाइड हो रहा है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी बेटा, इसके अंदर एक ऐड कर दे, इसके अंदर एक ऐड कर दे, कितनी हो गई 8 आपकी रैशनल टर्म्स हो गई, टोटल टर्म्स कितनी हो गई भाई साहब, टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स हो गई 60 थी, 60 प्लस 1 यानी कि 61 हो गई, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितनी हो जाएंगी भाई, 61 में से सर 1 8 घटा दो तो सर ये मेरे पास बच रहा है 53, इरेशनल आ गई 53, डन है, ये आ गई n की वैल्यू, ये आपको दे रखी है n की वैल्यू, नोटिस करिए ये आपको बेटा क्या दे रखी है, n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, तो ये n की वैल्यू आ गई, आपको बताना n माइनस वन इज डिविजिबल बाय n माइनस वन, 53 में से बच्चा एक माइनस कर दे कितना आ गया 52, 52 क्या किससे डिवाइड हो रहा है,
52 किससे डिवाइड हो रहा है, सीधा सीधा सर किससे, 26 से। 26 से अगर ये ट्रिक आती होती ना, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। इतना तो कर ही लोगे, इतना तो आपसे उम्मीद है कि भाई जेई पर अगर जीत करनी है मेरे साथ साथ में आगे बढ़ के दोनों ने मिलकर अगर जेई पर जीत करनी है तो बेटा ये सब आपको मैं सिखानी चाहिए, सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका पेपर निकला। जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसके अंदर भी कोई अगर एमएसपी मिल जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में ही अरे हम यहां पर आ जाइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एक बार इसको देख लेते हैं। ये भी बेटा एमएसपी को यहां पर ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन में क्या है जी, द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ इसकी, मतलब इस वाले टर्म की इंक्रीजिंग पावर में 6 की पावर 1/4/1 है। तो आप हमें बताइए सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज अल्फा बाय 4√3 है, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये हमसे बेटा 2022 का जेई का क्वेश्चन है, इस बात पे हम एक बार एक नजर डालते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए बेटा, इसमें एक और एमएसटी आ गई। ठीक है, इसमें एक और एमएसटी आ गई। अगर आपको बेटा मान लीजिए बिगिनिंग से पहले अगर आप बिगिनिंग से कोई टर्म्स निकाल रहे हैं, फ्रॉम बिगिनिंग से आप बेटा अगर टर्म निकाल रहे हैं एक्स प्लस वाई की पावर एन है, बिगिनिंग से निकाल रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन वगैरह 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 वाला फॉर्मूला। अगर जब एंड से निकालनी हो ना, दैट इज फॉर एंड, तो अगर मैं कहूं बेटा फॉर एंड, ठीक है, अगर आपको फ्रॉम एंड निकालनी हो, तो अगर मैं बात करूं ना इसकी बेटा फ्रॉम एंड, अगर फ्रॉम एंड निकालनी हो ना, तो बच्चे इसको क्या कर दियो, उल्टा कर दियो, इनको उल्टा कर दियो, कोई नया फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस टू एस टर्म होती है फ्रॉम बिगिनिंग, बस इतना मैं करने लग गया ना इसमें मर जाऊंगा मैं भाई, सही में मर जाऊंगा, समझे। तो इस चीज का ध्यान रखनी है, तो वाई प्लस एक्स की पावर एन, तो इसके अंदर आपने बेटा क्या करना है, अब वही फॉर्मूला जो पहले वाला था ना, इसी को ही आप लगा दीजिए, टी आर प्लस वन वही वाला जो पुराना रटा हुआ है उसी को बेटा यहाँ लगा देंगे। बस ये सीखना था कि अगर मेरे को एंड से आ जाए तो मुझे इसको घुमा के सोल्व कर देना है। आ जाए बेटा क्वेश्चन पर, एक बार क्वेश्चन पर जैसे ही मैं मूव करता हूँ, कौन सा टर्म है जी, फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग है ना, फिफ्थ कह रहा है फ्रॉम बिगिनिंग से, और पहले तो इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 1/4, दिस इज 1/3 की पावर 1/4 की पावर एन, ये एक्सपेंशन दे रखा है। तो आपको कह रहा है पहले फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग, तो बेटा पहले मैं निकालता हूं फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग, तो अगर मैं फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग निकालता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टी फिफ्थ में आपको क्या पता होता है भाई, एन सी इससे एक कम, याद रखिएगा इससे एक कम यहां लिखना है, तो 5 से ये 4 हो जाएगा। अगला वाला 2 की पावर 1/4 एन माइनस 4 और 1/3 की पावर 1/4 इज दिस। अब आ जाओ बेटा फिफ्थ फ्रॉम एंड, अगर बेटा फिफ्थ फ्रॉम एंड आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको उल्टा करने का, मैंने क्या बोला भाई, इसको उल्टा कर दो पहले, इसको उल्टा करूंगा तो टी इसको मेरे को आगे लिखना पड़ेगा, पहले इसको उल्टा लिख दो, कितना ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां पे गलती कर दी तो फिर नहीं निकलेंगे क्वेश्चन, फिर मत कहना कि सर आपकी एमएसटी वहां नहीं लगी, सारी लगेंगे भाई, वह लगाने का तरीका आना चाहिए, मेहनत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन करके मैं कुछ ही क्वेश्चन करा सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें से बेटा सेम वही फॉर्मूला लगा दो, टी फिफ्थ क्या हो जाएगी आपकी, सर एन सी आर 1/3 की पावर 1/r एंड दिस इज एन माइनस आर, और ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर 1/4 की पावर 4। ओके, इसको अगर मैं सोल्व करूं और इसको अगर हम सोल्व करें, देखिए कितना है रेशियो दे रखा है, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है। अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है क्वेश्चन, आपको एक और इसके अंदर ट्रिक बताता हूं जल्दी सोल्व करने की, वो भी आपको देखना अभी समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट पर। तो ये आपको दे रखा है इन्होंने एनसी 4 2 की पावर 4, तो मैं अरे कहां गया, तो रेशियो क्या दे दिया भाई इनका, रेशियो है ये एनसी 4 और नीचे भी बेटा क्या रहेगा एनसी 4, और यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 1/4 एन माइनस 4 और यहाँ पे 1/3 की पावर 1/4 की पावर 4, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1/4 इज एन माइनस 4 और 2 की पावर, यहां से तो ये कट रहा है सीधा सीधा है ना, ये बेटा पूरा कट गया। आगे बढ़िए, ये किसके बराबर दे रखा आपको रेशियो, किसके बराबर, 6 की पावर 1/4 पावर 1 के, तो ये आपको दे रखा है 6 की पावर 1/4 पावर 1 के। तो जैसे ही आप बेटा इसको अब सीधा करते हैं तो हमारा ये अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, बस इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/4 पूरे की पावर n-4 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो 3 से ये 4
और ये कट जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 1/3 × 2, और यहां बचा है 6 की पावर 1/4, 1 तो 3 × 2 = 6, 6 की पावर 1/4 × 6, बस अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 6 की पावर n-4/4, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप भी कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। कंपेयर कर देंगे 6 और 5/4 और ये 6 की पावर n-4/4, कंपेयर कर दे बेटा। कंपेयर जैसे ही करेगा n-4/4 = 5/4 काट देगा, n = 9 आ जाएगा। तो अभी भी क्या कह रहा है, अभी तो n निकाला है भाई, लेंथ ही तो है क्वेश्चन, लेंथ ही है, ठीक है, बट MST लगानी पड़ेगी, ये सब पता होना चाहिए तभी जल्दी हो पाएगा, अदरवाइज फंसोगे। अब कह रहे हैं सिक्स्थ फ्रॉम बिगिनिंग इज अल्फा बाय √3/4, तो बेटा सिक्स्थ फ्रॉम बिगिनिंग, ये सब आपको वहां पे डिटेल में नहीं करना है, सीधा निकाला करो आंसर कितनी रहेगी जी। सिक्स्थ फ्रॉम बिगिनिंग इज NCR, है ना, उससे एक कम करनी है, 2 की पावर 1/4 आर मैं क्यों लिख रहा हूं, n की भी वैल्यू है मेरे पास, r की भी वैल्यू है, n मैंने कितना निकाला है भाई 9, इससे बेटा एक कम, मैंने बोला ना इससे एक कम 5, तो 9 में से 5 जाएंगे 4 और 1/3 की पावर 1/4 की पावर 5, तो ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा 9c5, और ये आपका किसके बराबर दे रखा है α/√3/4 के, तो α/√3/4, ठीक है, α/3/1/4, ये सब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा, बस क्वेश्चन हमारा हो चुका है 3/1/4, फटाफट से बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा, उसको हम यहाँ पे बेटा देख लेते हैं फटाफट से, क्या बचेगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और नीचे से बेटा हमारे पास 4, 3, 2, 1 आ जाएगा, ये से कटा था 1, 2 यहाँ से आ गया, इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5/4 और -1/4 हो जाएगा, बस सिंप्लीफाई है ये, तो आप भी कर सकते हैं, मेन है कॉन्सेप्ट 3 की पावर 1, और यहाँ से बेटा 4, 2, 8 से 8 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, और ये बचा हमारे पास 3, 7, 6 और 1 ये 2, तो बेटा 2 से ये भी कट जाएगा, 3 से हमारा 3 भी कट जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 6, 2, 12, 12, 7, 84, 84 इज द राइट आंसर, 84 बेटा हमारा इसके अंदर राइट आंसर होगा, दिस विल बी द 84, अरे ये हमारा बेटा 84 इज द राइट आंसर, 84 इज राइट, ठीक है। ये सब बेटा ट्रिक थी, ये सब हमने डिस्कस करनी थी, तो आई होप आपको बेटा ये सारी ट्रिक समझ आ गई होंगी। तो मैंने इसके अंदर बेटा मोस्टली सारी MSTs मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है, एक दो बची हैं वो भी मैं बेटा अगली वीडियोस में या फिर अगले इसके एपिसोड में लेकर आ जाऊंगा। आई होप आपको ये सब पसंद आ गई होंगी बेटा। ये सारी का आपने करना क्या है, सारी MSTs बेटा आपने लिख लेनी है, नोट्स बना के उससे रिलेटेड PYQs कर लो, बस ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। कोशिश करूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहां पर मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी कम समय, आप नोट फॉलो कर लीजिए, बस नोट शेयर कर दूंगा, उन नोट्स को आप रेफर कर लेना, उसमें भी बहुत सारी MSTs लिखी हुई है डायरेक्ट रिजल्ट, इससे आपके बनोमेल के 2 क्वेश्चन तो आसानी से निपट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा और अमेजिंग वीडियो लेके आऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे, वरना कोई भी आगे आपको कोई अपडेट्स नहीं मिलेगा, 1-2 मिलेंगे फिर नहीं मिलेगा। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में नए एपिसोड में जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही PYQ की सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।